नमस्ते एवरीवन, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और आज है 22 तारीख, हम सुबह से ही मतलब 3:15 बजे से हमारे यहाँ पर, हमारे जो सोसाइटी वहाँ पर बहुत सारे भजन कीर्तन चल रहे थे, तो हम उठ ही गए थे। तो हमने सोचा चलो नहा ही ले, पूजा वगैरह कर ले। हालांकि हम जब से जाड़े आ रहे हैं तब से हम देर करके उठते हैं और पूजा वगैरह थोड़ा देर करके करते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से जग गए थे। तो सुबह से वो हम न्यूज़ भी देख, अभी जगह राम नाम का ही नाम है। और वैसे हम भाग्य स्वरूप है, हम आपके साथ कुछ बातें शेयर कर रहे हैं। कुछ थोड़ी सी न्यूज़ में आ रहा था तो हमने थोड़ा सा सर्च किया, तो थोड़ी सी बातें पढ़ने में आई जो हमें बहुत अच्छी लगी, तो वो हम आपको पढ़ के बता रहे हैं। और हम पूजा भी कर रहे हैं साथ के साथ, ये भी हो जाएगा। और डेली बेस पर हम पूजा ऐसे ही करते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है और फिर पाठ हम शाम में करते हैं। वैसे सुबह में करना चाहिए लेकिन काम बहुत होता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। जब भी शाम के जब दीपक जलता है, 7 बजे का दीपक जलता है, तब हम पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अध्याय हम कंप्लीट जरूर करें। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्तर में मन्वंतर में 23वें चतुर्युग गण के त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने करीबन 11,000 वर्ष अयोध्या पर शासन किया था। श्री राम विष्णु मित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और का आदि राक्षस मारे। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ा, सीता से विवाह किया। जब उन्होंने अगला राजा बनाया जा रहा था तब उनके पिता वचन के लिए 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहां पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक काट दिया और उनके भाई खर दुष्यंत का राम जी ने भी वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया था, जिनकी खोज में जटायु पक्षियों ने बात करा था, जिनके रावण का प्रतिकार किया था, पिता के समान उत्तेष्टि संस्कार किया। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले, सुग्रीव के भाई बाली का वध कर सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान ने माता सीता की खोज की, रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पौत्र को कुंभकर्ण मेघानंद सहित मार गिराया। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया जो कि ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति की पूजा की, समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा अवतारे रहस्य से जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान माता सीता को अग्नि परीक्षा कर लेकर शीघ्र भैया पास अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीराम जी ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति सुप्रसिद्ध महाकाव्य मानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। स्वामी कर पत्रिका ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्या रामायण का लेख है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी व ललई सिंह की रामायण की मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय है और आदर्श पुरुष है तथा विश्व के कई देशों में भी श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे कि नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषात्मक शब्दों से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंड परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल क्षत्रियों में जन्मे थे, जिनकी परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्यायप्रिय थे, उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया, इसीलिए लोग आज भी अच्छे शासक को राम राज की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्र कुश व लव ने इनके राज्य अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। वैदिक धर्म के कई त्यौहार जैसे दशहरा, रामनवमी और दीपावली श्री राम की वन कथा से जुड़ी हुई है। रामायण भारतीयों के मन में बसता आया है और आज भी उनके हृदय में इसका भाव निहित है। भारत में किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय राम, सियाराम जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार है। राम और कृष्ण दोनों
ही विष्णु का अवतार है, अतः ये दोनों ही एक ही है। जय श्री राम का पूरा फ्लैशबैक हो गया है, आप यकीन मानिएगा। और पता है जब हम छोटे थे तो टीवी पे आता था, संडे के दिन आता था, तो जब भी हमको देखना होता था तो हम बिना नहाए बैठते थे, तो वहाँ से माँ बोलती थी नहीं नहा कर देखो। तो वो एक आध्यात्मिक, एक धार्मिक जो जुड़ाव है वो पूरा ही मतलब ऐसा हो गया जब हम, और हम सुबह से 3 बजे से हमारे यहाँ पर जो हमारा एरिया है वहाँ पर इतने सारे भजन कीर्तन हो रहे थे। माननीय प्रधान जी ने, मोदी जी ने सच में यही कहा था, सब के जुबान रामलला के नाम से गुंजायमान होगी। ऐसा ही हमारा सिचुएशन है। वो सजाओ घर को मंदिर सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। यही हम सुबह से गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाते हुए काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और हम सुबह से टीवी को जब न्यूज़ चल रही है ना, तब से हम उठे ही नहीं थे। वो 12:30 मतलब 12:18 का कोई मुहूर्त था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब से हम उनका ही सुन रहे थे। फिर योगीनाथ जी का भी हमने सुना है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत जब ऐसे आध्यात्मिक की बातें हम सुनते हैं तो हमारा जो हृदय है ना गदगद हो उठता है। बहुत हम थोड़ा सा भावुक भी हो गए थे बीच में, जब राम लला जो छोटे स्वरूप में थे, उनके ओरिजिनल जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा हमने पहले से देखी थी, पहले हमने इतना सुना था लेकिन इतने इसमें नहीं हुए थे। जब उनके स्वरूप है ना बिल्कुल हमारे बाल कृष्ण गोपाल जी उनके जैसे ही दिखते हैं, हमारे कान्हा जी के स्वरूप ही दिखते हैं, और हो भी क्यों ना ऐसे उनका अवतार होता है। तो हम सोच रहे थे कि हल्दी कुमकुम करेंगे तो पहले हम निपटा लेंगे घर, थोड़ा सा बेडशीट वगैरह क्लीन कर ले, डस्टिंग वगैरह हो चुकी थी सुबह में, तो हम ऐसे कर रहे थे। तो फिर नीचे से फ़ोन आया, राजू जी नीचे में है तो हमारे सोसाइटी में भी प्रोग्राम हो रहा है, तो हम वहाँ पर जा रहे थे। हमें पता नहीं था महाप्रसाद होने वाला है, कि भाई लोग जैसे हेल्प होते हैं ना, जो कटिंग चॉपिंग वगैरह होता है वो सब होने वाला है, तो हमें पता नहीं था। तो हमने थोड़ा सा रुके, फिर फ्रेश हुए और सोच रहे थे चाय बनाएंगे, लेकिन अभी चाय बनाने के टाइम नहीं है, 5 ऑलरेडी बज चुके हैं। और फिर अच्छा नहीं लगता ना कि सब लेडीज़ लोग हेल्प कर रहे हो फिर हम घर पर रहे, अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से हम अभी जा रहे हैं। एक्चुअली वो कपड़े धोकर रखी थी सुखाने के लिए, वो सूखे ही पड़े हैं, अभी हम नहीं निकालेंगे, तो वहाँ की सिचुएशन देखेंगे, फिर आकर घर पर थोड़ा सा काम निपटाएंगे। और हमने ये वाला जो बेडरूम है ना वो उल्टे कैमरे से दिखाएंगे, वो हमने अभी इसको टाइप कर लिया है। ये हमारे मास्टर बेडरूम में था तो हमने अलग से रखा था, लेकिन अभी हमने इसमें सामने रखा है। पता नहीं हमें ऐसा मन हुआ रखने के लिए, और ये पुराना सा ही है, सिर्फ उसके जो प्लांट्स है उसके जो ख़राब वाले थे वो हमने हटा दिए हैं, और ऊपर में भी एक रखा है, जगह नहीं थी इस वजह से, और ऐसे ही टाइप करा है। एरिया में कुछ लेडीज़ लोग रंगोली बना रहे थे तो हम भी यहाँ पर आए, हमें पता नहीं था, हम वापस जाने वाले थे, फिर कोई मिला तो उन्होंने कहा कि नहीं ऑफिस में काम चल रहा है, ये हमारे सोसाइटी का ऑफिस है, थोड़ा टेम्परेरी है, अभी तो काम चल रहा है यहाँ पर। वो देखिए बहुत मतलब छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर हम सुविधा है, सब कुछ है, तो सब कुछ अरेंजमेंट है यहाँ पर, तो इस वजह से यहीं पर काम होता है। तो सब चले गए क्योंकि वो काफ़ी देर से आए हैं, हम ही लेट आए, तो हम बोले कि चलिए आप चले जाइए, आप अपने मतलब फ्रेश हो जाइए, 6 बजने को था ना, और 7:30 बजे की आरती थी, नीचे भी आना होगा। और सब लेडीज लोगों ने ऑरेंज कलर की साड़ी ये कर रहे थे, लेकिन हम लेट पहुंचे तो वो कोई कन्वर्सेशन हुआ ही नहीं, सबसे हो गया था लेकिन हम लेट पहुंचे तो हमसे कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर हमने जो सिंपल सी साड़ी थी वही पहन ली, बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास थी भी नहीं एक्चुअली, हम क्या ही बात करें, हमारे पास इतना कोई कलेक्शन है नहीं साड़ी का, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके जरूर करेंगे। और देखिए सब लोगों ने, लेडीज लोगों ने चॉपिंग कटिंग मसाले जो भी प्रिपरेशन होती है वो हमने कर दिए हैं, बाकी जो ये जो जेंट्स लोग देख रहे हैं वो इनके हाथों का कमाल अब अच्छा बना था, लेकिन वो हम फोटो नहीं निकाल पाए। और देखिए वो बैकग्राउंड में जब हम कटिंग चॉपिंग कर रहे थे तो वहाँ पर ये काम कर रहे थे। ऐसा ही होता है ना, कोई भी प्रोग्राम एक सिंगल हैंड तो होता नहीं है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाइब आती है। हम घर पर आए, वो वहाँ पर थोड़ा सा काम करके घर पर आए, और सभी जगह पर हमने दीपक जलाया, हमारे यहाँ पर दीपावली के जैसे लग रहा है, सभी तरफ दीपक जल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर उल्टा कैमरा करके हम ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम आपके साथ बात कर रहे हैं।
बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे कोई प्रोग्राम होता है जो घर पर होता है। देखिए कपड़े अभी फोल्ड करने के लिए टाइम है, बाद में कर लूंगी जब आऊंगी तो, पता नहीं अब ऐसे हो जाता है कभी कभार ना, पता नहीं था पहले, अगर पता होता तो हमने सुबह से टीवी ही देखने का काम किया, इतना अच्छे अच्छे बातें बता रहे थे तो हम थोड़ा काम करते थे जहाँ पे बैठ जाते थे, ऐसे हो रहा था। बहरहाल चलता है, और देखिए अब पूरा हमारा बिल्डिंग पूरा साउंड सिस्टम से पूरा एकदम ओवरफ्लो हो रहा है, उसमें ऊपर से जा रहा है इतना सारा। और देखिए साड़ी पहने हैं आपको जरूर दिखा रहे हैं, सिंपल सा रखा है कि फटाफट पहन ले और बस हो जाए। तो मैं राजू बोल रही कि झाला नहीं का कितनी मटकते अच्छा तो लग रहा है, सिंपल सा गले में पहना। ये अभी हमने परसों के दिन इसको बुना है, टूट गया था तो ये हमने इसे बुना है, सिंपल सा रखा है और हमारा हाथ खराब हो चुका है। देखिए काम करके ऐसा ही हो जाता है, बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी। डिटर्जेंट मुझे लगता है ना इस वजह से। के आगे बालकनी में जहाँ जहाँ पर हो सकता है वहाँ वहाँ पर दीपक जला रहे थे, और बीच में ना नीचे में 5 जो दीपक है वो भी ले जाना होता था, लेकिन हमारे पास मतलब 4 साल से हमारे यहाँ पर सूतक काल था, तो इस वजह से हमारे यहाँ पर दीपक लोग कुछ करते नहीं थे। Ram 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 Ram
पाचाही तत्वाचा ज्योतिला विलायाना निराकार तू जैसी आकार आली जैसी आकार आली सतद्विद्या व्यापक सर्वांगसा व्यापक माझी सगरुर माऊली सोळा साखर बातळ कुळ्या काळा रचनी हरणे काळा रचनी नौकी कैसा डोल नौकी कैसा डोल आज मूर्ती बसवली सते सागळाचा वेळा कैसा घातला वेळा कैसा घातला तुका मने बाप तुका मने बाप माझा कैवाळी ओवाळा मंड ओवाळा ओवाळा माझा सद्गुराया माझा स्वामीराया पाचाही तत्वाचा पाचाही तत्वाचा ज्योतिला विलायाना गौर गौरम प्रणाम सारम संसार सार कुजेद्र हरम सदा वसतम जगन्ये भवम भवानी चेतन्नवम दिगंबराय दिगंबराय नम शिवाय नम शिवाय दीनचारम प्रणापयो बंधु सपादमेव तमेव विद्या तमेव तमेव सर्व मम देव देव कायेन वाचा मनसि क्रियया बुद्धात्मना आत्मना करुणी यज्ञं सबल परस्मै नारायणानि समर्पयामि अचितं केशवं रामदनम नम नारायणं श्रीरामो धर्मचक्रहरिं श्रीधर्मादवं गोपिकावल्लभं जानकी नारयं चक्रहरिं हरे राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम स्तोत्र और पूजा सब हो गया, फिर खाने का भी हो गया, तो बहुत देर हो गई थी ना, तो सब लोग ना टूट पड़े थे, तो हमें फ़ोटो भी नहीं निकालना हुआ। लेकिन मसाले चावल था, कढ़ी था और बूंदी थी जो बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी।